हाउस टैप। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी। चलिए जानते हैं क्रिकेट से जुड़ी आज की 11 खबरों को। दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच हुई अश्विन को लेकर डील। स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का पंजाब छोड़ दिल्ली कैपिटल्स में शामिल होने पर बना सस्पेंस खत्म हो गया है। खबर है कि पंजाब और दिल्ली की फ्रेंचाइजी में एक अहम डील हुई है, जिसके तहत दिल्ली ने अश्विन के बदले पंजाब को 1 करोड़ रुपए और अपने बाएं हाथ के स्पिनर जगदीश सुचित को देने का फैसला किया है। हालांकि अश्विन के बदले में पंजाब ने दिल्ली से न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की भी मांग की थी, लेकिन दिल्ली इसके लिए तैयार नहीं हुई। इस संबंध में आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर को होने की संभावना है। दूसरे T20 में रोहित ने बनाए 5 रिकॉर्ड्स। बांग्लादेश के खिलाफ गुरुवार को राजकोट में खेले गए दूसरे T20 में रोहित शर्मा के अतिशी 85 रनों से भारत को मैच जीता है। साथ ही रोहित ने इस मैच में 5 अनूठे रिकॉर्ड्स भी बनाए। पहला तो वे भारत की तरफ से 100 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। दूसरा, वे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 115 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। तीसरा, रोहित शर्मा ने एक साल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्कों के रिकॉर्ड की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा। दिलचस्प बात यह है कि लगातार 3 सालों से रोहित ही इस मामले में शीर्ष पर बने हैं। उन्होंने इस वर्ष अब तक 66 छक्के लगाए हैं। चौथा है, कप्तान के तौर पर भारत के लिए सबसे ज्यादा अब तक 37 छक्के मारने का रिकॉर्ड भी उन्होंने पूर्व कप्तान धोनी के 34 छक्कों को तोड़कर अपने नाम किया है। पांचवा है, रोहित शर्मा अब बांग्लादेश के खिलाफ T20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। बिहार के ईशान किशन को धोनी की जगह मिली झारखंड टीम की कप्तानी। कल से शुरू हो चुके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 के लिए झारखंड की टीम की जिम्मेदारी धोनी की अनुपस्थिति में बिहार के नवादा जिले के ईशान किशन को सौंपी गई है। इससे पहले ईशान भारतीय अंडर 19 टीम के विश्व कप में कप्तानी कर चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड की टीम अपना पहला मैच इस टूर्नामेंट में उड़ीसा के खिलाफ खेलने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय T20 के 22वें मैच में पंत का खुला खाता। बांग्लादेश के खिलाफ हुआ दूसरा T20 ऋषभ पंत का भारत के लिए 22वां T20 मैच था, जिसमें उन्होंने पहली बार स्टंपिंग कर T20 में अपना स्टंपिंग करने का खाता खोल लिया है। पंत ने 13वें ओवर में चहल की गेंद पर सौम्य सरकार का शिकार किया और T20 में पहली स्टंपिंग अपने नाम की। हालांकि 6ठे ओवर में भी चहल की गेंद पर लिटन दास को स्टंप उन्होंने किया था, लेकिन गेंद को विकेट के आगे पकड़ने की वजह से थर्ड एम्पायर ने नो बॉल दे दिया था और लिटन दास नॉट आउट रहे। क्रिकेट के मैदान के बाद अब फिल्मी पर्दे पर भी दिखेंगे इरफान पठान। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान अब दक्षिण भारत की फिल्मों में भूमिका निभाते नजर आएंगे। इरफान ने कहा कि वह जल्द ही तमिल फिल्म में दिखेंगे, जिसमें मुख्य भूमिका दक्षिण भारत के सुपरस्टार विक्रम की है। इस फिल्म में वे इंस्पेक्टर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। आपको बता दें कि इरफान पठान ने भारत की ओर से 29 टेस्ट, 120 वनडे और 24 T20 मैच खेले हैं। डेविड मलान की सत्ता की बदौलत इंग्लैंड ने की सीरीज में बराबरी। न्यूजीलैंड में खेले जा रहे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों के T20 सीरीज के 4th मुकाबले में कल इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज डेविड मलान की धुआंधार 51 गेंदों पर 103 रनों की वजह से इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 241 रन बनाए। जवाब में 242 रनों का पीछा करने उतर न्यूजीलैंड की टीम का लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे, जिस कारण वो बड़ी अंतर से मैच हार गए। अब दोनों ही टीम इस सीरीज में 2-2 की बराबरी पर है। कल सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। रोहित और धवन की जोड़ी निकली सबसे आगे। गुरुवार को खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में रोहित शर्मा और शिखर धवन के शानदार शतकीय साझेदारी के बदौलत भारत ने आसानी से 154 रनों का पीछा तो किया ही, साथ में दोनों भारतीय ओपनरों ने T20 में 4 बार 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी का महारिकॉर्ड भी बनाया। आपको बता दें कि इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के वार्नर और वाटसन, न्यूजीलैंड के गुप्टिल और विलियमसन, भारत के ही रोहित और विराट तथा न्यूजीलैंड के गुप्टिल और कॉलिन मुनरो के 3-3 शतकीय साझेदारी के रिकॉर्डों को तोड़ा। पारी खेलने वाले रोहित शर्मा ने कहा, अब भी है अफसोस। राजकोट के दूसरे T20 में 43 गेंदों पर धमाकेदार 85 रन बनाने वाले रोहित शर्मा ने यजुवेंद्र चहल को दिए इंटरव्यू में कहा कि जब मैंने बांग्लादेश के ऑफ स्पिनर मुसादिक हुसैन को 3 गेंदों पर 3 छक्के मारे तो मेरे मन में था कि आज 6 गेंद पर 6 छक्के मारूंगा, लेकिन 4थी गेंद पर मिस होने की वजह से मैंने अपना इरादा बदल दिया और अगली गेंद पर 1 रन लेना ही मुनासिब समझा। चहल ने उनसे जब ये पूछा कि उनमें इतने छक्के मारने की ताकत कहाँ से आती है, तो जवाब में रोहित ने कहा कि छक्के मारने के लिए ताकत की नहीं बल्कि बेहतर टाइमिंग की जरूरत होती है, ताकि गेंद बैट के मिडिल में लगे। सहवाग ने कहा, जो रोहित शर्मा कर सकते हैं वो कभी नहीं कर सकते विराट। दूसरे T20 में अपनी तूफानी पारी के कारण रोहित शर्मा सभी के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं।
हरभजन सिंह के बाद अब पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी रोहित शर्मा को विराट कोहली से बेहतर बल्लेबाज माना है। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबस से बात करते हुए सहवाग ने कहा कि रोहित जो काम कर सकते हैं वो विराट कोहली शायद कभी नहीं कर सकते। उनके अंदर यह क्षमता है कि वो एक ओवर में 3-4 छक्के या फिर 40-45 गेंदों में 100 रन बना सकते हैं, परंतु विराट की बल्लेबाजी में मुझे ऐसा कोई विशेष गुण नहीं दिखता है। खुद को साबित करने के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उतरेंगे कुलदीप यादव। भारतीय टीम से बाहर चल रहे गेंदबाज कुलदीप यादव केरल के तिरुवनंतपुरम में खेली जा रही सैयद मुश्ताक अली सीनियर T20 चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की टीम से खेलने के लिए उतरेंगे। कुलदीप यादव पर भारतीय T20 टीम में शामिल होने के लिए अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव होगा। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में कुलदीप जगह बनाने में असफल हुए थे, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ मौजूदा श्रृंखला में भी चयनकर्ताओं ने उन्हें नज़रअंदाज किया है। कल होगा फैसला कि कौन जीतेगा पहली द्विपक्षीय T20 सीरीज। भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा 3 T20 मैचों का आखिरी मैच कल नागपुर में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें एक एक की बराबरी पर हैं, जिससे सीरीज का अंतिम मैच काफी रोमांचक होने वाला है। आपको बता दें कि इनके बीच खेली जा रही यह सीरीज T20 में पहली द्विपक्षीय सीरीज है। इसके पहले जो भी इनके बीच मुकाबले हुए वे ICC टूर्नामेंट, एशिया कप या फिर त्रिकोणीय श्रृंखलाएं थी। तो ये थी आज के क्रिकेट से जुड़ी 11 खबरें। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्रिकेट से जुड़ी प्रत्येक दिन की खबरों और पल पल की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल जगदीश क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।